तो महत्वना समाचार, माउंट आबू में कातिल ठंडी नो कहर जोवा मळ्यो। तापमान माइनस में पहुंची जता माउंट आबू में बरफ की चादर छवाई हती। शीतलहर थी आबू में प्रवासी ठूठवाया। कातिल ठंडी थी रक्षण मेळवा लोकोए तापड़ा नो सहारो लीधो। मैदान में पार्क करेला वाहनों पर बरफना थर जामेला जोवा मळी रह्या छे। तो मैदानी प्रदेश में पांदड़ा ने बगीचा में जाने बरफ की चादर पथराई गई होय तेवा दृश्य जोवा मळ्या। शीतलहर वच्चे पण माउंट आबू में प्रवासी बरफ की मजा माणता जोवा मळ्या हता। बगीचा में पथराला घास पर बरफ की चादर जोवा मळी। माउंट आबू में कड़कड़ती ठंडी में लोग ठूठवाया हता। बनासकांठा ने अड़ी आवेला हिल स्टेशन माउंट आबू में बरफ की चादर छवाई। बगीचा में पथरायेला घास पर बरफ की चादर छवाई तो वाहनों जे पार्क कर्या हता तेना पर बरफ जोवा मळ्यो हतो। माउंट आबू में तापमान माइनस में गयु जेना कारणे लोको ठंडी में ठूठवाया हता। बनासकांठा ने अड़ी आवेला हिल स्टेशन माउंट आबू में बरफ की चादर छवाई। ठंडी वत्ता लोकोए तापणा अने गरम कपड़ा नो सहारो लीधो हतो। तो माउंट आबू में कड़कड़ती ठंडी नो अहेसास लोकोने थई रह्यो छे। तो आ विशेष वधु माहिती माटे जोड़ाया छे संवाददाता आनंद। आनंद, माउंट आबू में लोको ठूठवाया, माइनस में तापमान गयु छे, शुं विगत? राजस्थान सहित गुजरात में પણ જોવા મળી રહી છે અને ખાસ કરીને વાત કરીએ તો રાજસ્થાન જે હિલ સ્ટેશન છે માઉન્ટ આબુ તે ઠંડુગાર થઈ ગયું છે। છેલ્લા બે દિવસ ત્યાં તાપમાન માઇનસમાં પહોંચી ગયું છે, તેની સીધી અસર લોકોના જનજીવન પર પડી રહી છે। છેલ્લા બે દિવસથી ગઈકાલે પણ 0 ડિગ્રી તાપમાન હતું, આજે પણ માઇનસ 1-2 ડિગ્રી સુધી તાપમાન પહોંચી ગયું છે અને તેના કારણે લોકો ઠંડાઈ ગયા છે। નદી નાળા જે હતા, જે પાણીનો પ્રવાહ જે વહી હતો તે પણ અત્યારે જામી ગયો છે, બરફ થઈ ગયું છે। લોકોના ઘર પર છત પર બહાર જે પાણી પડ્યું તે પણ અત્યારે જામી ગયું છે। લોકો આ ઠંડીનો અત્યારે લોકો ભરપૂર આનંદ ઉઠાવી રહ્યા છે, ખાસ કરીને સહેલાણીઓ જે બાકી રહ્યા છે તે પણ આ ઠંડીનો ખૂબ જ મજા માણી રહ્યા છે, એનો આનંદ ઉઠાવી રહ્યા છે। જી આભાર આનંદ માહિતી આપવા માટે।